भाभी भाभी इनका स्टेटस देखियो जरा। लग रहा है तुम्हारे लिए डाला इन्होंने, ये तो देखते समझ गई थी। हाँ कल ये मुझे देख के जल भून के कबाब हो गई ईद की पार्टी में। जो आर्या मुझसे यही पूछ रही है, आपकी हसीना आपकी तो लगी नहीं रहा है कि शादी हो गई है और 6 महीने हो गए आपकी शादी को। सुन रही थी बेटी बगल में और इतना सा मुंह निकल आया था कि इनकी तारीफ कैसे हो रही है, अच्छी तो मैं लग रही हूँ। और पता क्या पहन के आई थी? पीला प्लाजो नीला कुर्ता, इतने बड़े बड़े बुंदे वो भी पीले। अल्लाह तोबा। हर आदमी हंस गया था इनके ऊपर और पूछ लिया था आपने कहाँ कहाँ से सामान लिया, तो ये समझ नहीं थी कि सब मतलब सीरियस है। सीरियस नहीं तो आईसीयू में जाए। ये क्या था? ये मैं जो गाया था ना, मैंने तो बता दो। आए तुम बताओ फिर क्या। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो सब इनकी तफरी ले रहे थे, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा। Meanwhile, बिल्कुल चीप लग रही थी, चीप सारा माल उसका लग रहा था। 10 रुपए में छाटो 10 रुपए में छाटो जो बोलते हैं ये, वो लग रहा था। सब बुध के बाजार का था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो ये सूट पहने थी 300 रुपए का मारा मारा बुध के बाजार में फिर लिया था, कोई हाथ नहीं रख लिया था। अभी कोई पूछ ले, क्योंकि शायद किसी ने पूछा तो 1200 का बता रही थी। मैंने दिन में आया बता दूं कि मैं जितने चाहूँ तुम्हें 300-300 रुपए के दिला दूं, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, आदमी सोचेगा ज्यादा इतरा रही है या हमारा वो कर रही है। अरे उनको लगता कि तुम झूठ बोल रही हो, इनको नीचा दिखाने को कर रही हो। सही किया तुमने, इसीलिए मैंने फिर दोहर से लिए, मैंने कुछ नहीं बोला। और सोचो अभी मैंने स्टेटस डाल दिया तो क्या होगा, दुल्हन ने मुझे अपने पास बिठा के फोटो खिंचवाई है कि नहीं आप मेरे पास बैठ गई, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपकी माइयों की भी फोटो बहुत अच्छी आई थी, मेरे ससुराल वाले पूछे थे ये कौन है तुम्हें। हाँ मुझे तो, मैंने अगर मैं आपको डाल दूंगी तो ये तो बिल्कुल खुलबुला जाएगी। मेरा तो दिल चाहता है इसको इतना सुनाऊं इतना सुनाऊं, लेकिन बस। अरे तुम ऐसी कहती हो, सुनाती वनाती कुछ नहीं होगी। अरे मौका पड़ने तो ऐसा ऐसा सुनाऊंगी, ख्वार कर दूंगी, पुरखे याद करेंगे, सातों के सातों नस्ले गंजी पैदा होंगी। लेकिन बस वही है, आदमी मुरव्वत कर जाता हैगा रिश्तेदारी देखते हुए, कि भैया सामना पड़ ही जाता हैगा, कभी शादी में कभी कहीं कभी बाजार में, तो भी यही तो होता है करीब के रिश्तों से आदमी इसलिए ज्यादा मुरव्वत करता हैगा कि उनसे बचा भी नहीं जा सकता। Meanwhile, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे आ गई? अरे ऐसी आई थी तुम लोग से मिलने। और ये बता तुमने प्लाजो कहाँ से लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था पीले रंग का, हमें भी दिला दो एक। वो तो बता दूंगी कौन सी शॉप से लिया था, वहीं से तुम भी ले लेना। जिस दिन बताऊंगी उस दिन चले चलेंगे। मैं आ रही हूँ, ये जरा सा काम हैगा मुझे। अरे बैठो बबली, कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा और तुम बताओ। हाँ मेरा तो बस ऐसे।